ये जो आर्ट है ये आप 28.9 मिलियन डॉलर में बिका, ये जो आर्ट है 69 मिलियन डॉलर में, एंड दिस वन इज 91.8 मिलियन डॉलर। और ना सिर्फ ये, लोग अपनी एनएफटी अपनी कस्टम प्राइस के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, 2 इथीरियम, 4 इथीरियम, 0.02 इथीरियम, एंड बहुत अच्छा यहाँ पे लोग रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जी एनएफटी का कंप्लीट कोर्स। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि सर हमें एनएफटी के बारे में गाइड करें, और आप लोगों के मल्टीपल क्वेश्चन से, एनएफटी होती क्या है, क्रिएट कैसे होती है, इसमें अर्निंग कैसे कैसे की जा सकती है, वॉलेट्स कैसे क्रिएट किए जाएंगे, और भी बहुत सारे सवाल है। तो मैंने सोचा कि यार सेपरेट वीडियो बनाने से बेहतर है कि एक कंप्लीट कोर्स बना देता हूं। अगर कोई एक बंदा बिगिनर भी ये वीडियो देख रहा है जिसको आज से पहले एनएफटी का नहीं पता, बस सुना है कि यार ये कोई चीज है, लोग इससे पैसे कमा रहे, तो भाई इतना भी काफी है। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा एनएफटी है क्या, इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, आप लोग अकाउंट्स कैसे क्रिएट करेंगे, वॉलेट कैसे क्रिएट करेंगे, एनएफटी क्रिएट कैसे करेंगे, लिस्ट कैसे होगी, फी से कैसे बचेंगे, ये सब चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक कंप्लीट वीडियो है, बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना। बैठ जाए, 20-25 मिनट की वीडियो होगी, सुकून से बैठे आराम से एक बार इसको देख लें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी व्हाट इज एनएफटी। एनएफटी का जो लफ्जी मतलब है वो है नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि ऐसी चीज जो कि पूरे वर्ल्ड में यूनिक है। आसान समझाता हूँ, ठीक है, वो यूनिक चीज है, उसका एक ही ऑनर है। नॉन फंजिबल यानी कि वो एक्सचेंजेबल नहीं है। टोकन आप समझ ले कि, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, टोकन आप इससे समझ ले कि ये एक तरह से एक सर्टिफिकेट जनरेट हो गया कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक तस्वीर है, इसको मैंने एज एन एनएफटी सेल किया और मैं इसका ऑनर हूं, तो मेरे पास एक टोकन जनरेट होगा कि यार इस पिक्चर का, इस आर्ट का ऑनर सिर्फ ये बंदा है, और कल को अगर मैं किसी को वो सेल करता हूं तो वो ऑनर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर लिस्ट रहेगा कि पहले ओनर मैं था, फिर ये ओनर हो गया, फिर नेक्स्ट ओनर ये, लेकिन एक टाइम में एक ही बंदा ओनर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका आर्ट कोई चोरी कर लेगा तो वो ओनर बन जाए, तो इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और इसको हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिस वजह से ये जो आर्टिस्ट है भाई, इनकी तो जन्नत आजकल चल रही है। क्योंकि जिस तरह आप लोग, आपके पास भी 1,000 रुपए का नोट है, मेरे पास भी 1,000 रुपए का नोट है, फिर आप लोग बोलोगे दोबारा 1,000 रुपए वाली नोट की एग्जांपल दे रहे हैं, यार लोगों को बड़े आराम से समझ आ जाती है इसलिए मैं दे रहा हूं, तो हम दोनों उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। आपके पास भी सेम चीज है, मेरे पास भी सेम चीज है, सेम वैल्यू की चीज है, लेकिन जो ये आर्ट है या जो नॉन फंजिबल चीज हो जाती है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक है कि यार ये एक यूनिक चीज है, इसके अलावा ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं मौजूद है, तो इस वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाती है और लोग उसको परचेज करते हैं कि यार ये पहला ट्वीट था, ये मतलब फॉर एग्जांपल एक ट्वीट सेल हुआ, ये पहला ट्वीट है, ठीक है, और इसके अलावा पूरी दुनिया में जाहिर है इसकी कोई और ट्वीट नहीं है, तो भाई मैं उसका ओनर बन जाता हूं, तो यूनिक चीज है। आप लोग सही सोच रहे हैं कि दिमाग खराब हुआ है, लोगों का फजूल पैसे उड़ा रहे हैं, बट उड़ाने तो यार आपका क्या जा रहा है, आप आर्ट क्रिएट करें पैसे कमाएं, तो ये तो हो गया जी एनएफटी क्या होती। तो अब हम बात करते हैं वेज टू मेक मनी विद एनएफटी। तो यहां पर दो मेन वेज हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। नंबर वन, आप अपनी एनएफटी खुद क्रिएट करें, उसको लिस्ट करें और उससे आप अर्निंग करें। और नंबर टू है कि आप कोई भी एनएफटी खरीदें जो ऑलरेडी मार्केट में है और आपको लग रहा है सस्ती है, ये और भी अच्छी प्राइस में बिक सकती है, आपने उसे खरीदा और महंगे दामों बेच दिया, यानी कि जिस तरह आप ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो या स्टॉक्स में, समझ ले कि आप एनएफटी में भी ट्रेडिंग करें, सस्ता खरीदा महंगा बेचा, ये सीन है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूं कि हम लोग अपनी एनएफटी क्रिएट कैसे करेंगे। देखिए, मैंने ये बताया कि ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें मैं आपको एनएफटी क्रिएट करके उसको लिस्ट करके दिखाने वाला हूँ, कौन कौन से वॉलेट क्रिएट होंगे, पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, तो जो चीज़ बताई है वो इंशाल्लाह आपको करके भी दिखाऊंगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम अपनी एनएफटी क्रिएट कर लेते हैं। और एनएफटी क्रिएट करने के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं, आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वीडियो बनाते हैं वीडियो में भी आपकी एनएफटी बिक सकती है, ऑडियो फाइल है, कोई 3D आर्ट है, कोई वैसे भी आपने आर्ट बना दिया, कोई इलस्ट्रेशन है, कुछ भी आप एज एन एनएफटी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी एक फॉर एग्जाम्पल सैम्पल ले लेते हैं, यहाँ से हम कस्टम डिज़ाइन ले लेते हैं और डिज़ाइन साइज आप रख लें फॉर एग्जाम्पल 615 एंड 615, आप स्क्वेयर ले लें जैसे भी आपको बेहतर है, लेकिन एक स्क्वेयर इमेज आपने लेनी है, 1:500x500 ले लें जिससे भी आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर ये हमारा, तो यहाँ पर हमारा आ गया जी ब्लैंक और हमने ले लिया। अब हम यहाँ पर अपनी शेप ऐड करेंगे। अब ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई ऐसे परफेक्ट नहीं है, तो आपने थोड़ा दिमाग लगा के मेहनत लगाकर अपनी एनएफटी क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सन ऑलरेडी रिसर्च की थी, सन एंड ग्लासेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट आपको समझाने के लिए ये एक अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है। तो यहाँ से मैंने फॉर एग्जाम्पल ये एक सन की इमेज ले ली, ठीक है, और बैकग्राउंड में इसका कर देता हूँ जो इस पर थोड़ा सा अच्छा भी लगे, सूट भी कर रहा हो, लाइक दिस, ठीक है, ये आ गया, ये समझ ले कि ये मेरा एक आर्ट क्रिएट हो गया। अब इसके हम यहाँ से कॉपी जनरेट करते हैं, ये दूसरी कॉपी आ गई, यहाँ से हम सन को कर देते हैं थोड़ा सा और ये, और इसको दरमियान, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ये,
अब मेरी कोई मतलब इतनी कोई अच्छी आंख नहीं है जिससे मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ ऑब्वियसली, लेकिन आप लोगों को बताने का समझाने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पे कुछ भी बेचा जा सकता है, वाह एक मीम है ना, कुछ भी दिखाया जा सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी बेचा जा सकता है एज एन NFT। तो आपने ये देखना है कि कलर्स के हिसाब से कौन सी चीज़ किसके ऊपर ज़्यादा सूट कर रही, तो आपने इस तरह अपनी आर्ट का जो है वो कलेक्शन बनाते जाना है। थोड़ी सी मेहनत आप इस पर लगानी है, थोड़ा सा आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, आप किसी को ग्लासेस पहना दें, आप कुछ भी, आप ओपन सी पर जाएं, मैंने यहाँ पर आपको ये प्लेटफॉर्म शेयर किया, अभी मैं बताता हूँ, ये देख लें आपने लोगों ने किस तरह आर्ट्स बनाए हुए, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, तो थोड़ा सा आपने यहाँ पर क्रिएटिव होना है। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि विदाउट कोडिंग आप किस तरह NFT बना सकते हैं, तो ये देख लें कोई कोड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कैनवा को यूज़ करते भी आप आर्ट्स बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। अब हम जाते हैं कि हम लोग अपना मेटामास्क का वॉलेट किस तरह क्रिएट करेंगे। सो ये अब हमने अपनी NFT बना ली, अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि हम इस NFT को सेल कैसे करेंगे। तो उसके लिए नंबर वन चीज़ हमें चाहिए होगी मेटामास्क वॉलेट। देखिए आप मेटामास्क वॉलेट क्या होता है, मैं आपको पता ही होगा यार, कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो जेब में बटवा दे लेके जाते हो ना पाइन, उसे जाके पैसे पुहे थे देने ना, और कार्ड भी निकाल के देना तो उसका भी तो वॉलेट होता है ना, तो आपको वॉलेट चाहिए। तो डिजिटल में भी आप अगर कोई की चीज़ सेल करने जाते हो, परचेज करने चाहते हो, तो आपको वॉलेट चाहिए, और बहुत सारे वॉलेट्स हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वॉलेट है वो मेटामास्क का वॉलेट है, तो हम उसे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे, यहाँ पे सर्च कर लें आप मेटामास्क का, मैं आपको बता रहा हूँ मेटामास्क का अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। हमने यहाँ पे किया मेटामास्क, सिंपली आपने गूगल पर सर्च करना है स्टेप बाय स्टेप, वीडियो के टाइम से हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, कहीं पे कंफ्यूज हो वहाँ पे क्लिक करो, फौरन जंप कर जाओगे। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया NFT है क्या, लोगों से पैसे कैसे कमा रहे हैं आप, कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं, NFT क्रिएट कैसे कर सकते हैं, अब हम जा रहे हैं हम अपना वॉलेट कैसे क्रिएट करेंगे। तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली क्लिक करोगे डाउनलोड नाउ के बटन पर, और यहाँ से आपने क्रोम, iOS, एंड्रॉयड जो भी आपने उसका कर लेना, हमने ऑब्वियसली अभी क्रोम यूज़ करें तो हमने इंस्टॉल फॉर क्रोम, एड एक्सटेंशन किया, यहाँ से ये डाउनलोड होगी और आपका यहाँ पर मेटामास्क का जो वॉलेट है वो ऐड हो जाएगा। अभी सिर्फ हम यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर रहे हैं, अभी उसका हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सटेंशन जो है हम इंस्टॉल हो चुकी है, अब हमने सिंपली गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ से वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई अगर ऑलरेडी वॉलेट है उसको इंपोर्ट करना है या न्यू क्रिएट करना है, तो हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से क्रिएट अ वॉलेट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से आई एग्री, इसको पढ़ लें भाई अच्छे तरीके से, कोई चीज़ मिस नहीं करनी, ये आपका वॉलेट है और इसका पासवर्ड आपने संभाल के रखना है, ये गया तो आपके पैसे गए, ये रिकवर यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो रिकवरेबल नहीं है, तो दिमाग में रख के हर चीज़ आपने फिल करनी है। आई एग्री के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड देने वाले भाई उसको दिमाग में, दिल गुर्दे फेफड़ों में जहाँ बसा सकते हो, जहाँ से निकाल के देख भी सकते हो वहाँ पे बसा लेना, किसी को बताना नहीं है। समझ रहे हो ना ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ भी रैंडम सा एक पासवर्ड रख लेता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन हमने पढ़ ली है, और क्रेडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर वो बता रहा है जी आपने अपना वॉलेट सिक्योर करना है, तो ये 1 मिनट 35 सेकंड की वीडियो है, इसको अच्छे से ध्यान से देखें समझे, मैंने भी देखी थी, आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा, कोई लंबी वीडियो नहीं, 1.5 मिनट की वीडियो अच्छे से देखो समझो, फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आ रहा है जी सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको एक फ्रेज दिया जाएगा, मतलब कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, आपने उसको कॉपी करके किसी डॉक्यूमेंट में उसकी तस्वीर ले लें, कुछ भी ले लें, उसको सेव करके रख लेना है। ये अगर आपका सीक्रेट रिकवरी फ्रेज गुम हो गया, आपके वॉलेट में जितने मर्जी करेंसी थी, जितने मर्जी लाखों डॉलर की करेंसी थी, वो वेस्ट हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एक फ्रेज आपको दिया जाएगा, आपने उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी सेव कर लें, कोई इमेज ले लें, किसी के साथ शेयर भरगिज नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसको कॉपी करके रख लूंगा। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद अब यहाँ पर आने के बाद जो फ्रेज आपको दिखाया गया आपने उसको उसी ऑर्डर में सेलेक्ट कर लेना है, उसी फ्रेज को जो फ्रेज आपको जिस तरह दिखाया गया, मिसाल के तौर पे ABCD आपको दिखाया गया, तो आपने इसी ऑर्डर के अंदर उस फ्रेज को यहाँ पर उन वर्ड्स को सिलेक्ट करते जाना है, और फिर यहाँ से आपको कन्फर्म का बटन अभी डिसेबल्ड है, इनेबल हो जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो मैं कर लेता हूँ। सो यहाँ पर देखिए जी कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आपको मिल चुका है, यहाँ से अब आप क्लिक करेंगे ऑल डन एंड दैट्स इट। आपने जो भी पासवर्ड बनाया वो भी आपका सेफ होना चाहिए, सीक्रेट रिकवरी फ्रेज जो आपका वो भी सेफ होना चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने मिस की इक्वरी गई थी गई, तो ये आपका इस तरह से वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमने अपना मेटामास्क का वॉलेट क्रिएट कर लिया, सादा अल्फाज में ऐ पाइन साडा बटवा जी, आ गई समझ, बटवा आ गया, इन्हें बेच रुपये पाने ने वो पा सकते हो, बहुत तेज हो रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी में करते हो, इसमें पैसे रखना चाहते हो, करेंसीज रखना चाहते हो, तो वो भी रख सकते हो। सो अब हम नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करेंगे ओपन सी का अकाउंट। देखिए जैसे आप फाइवर को जानते हो, अपवर्क को जानते हो कि आपने सर्विसेज बेचनी है,
तो आप मार्केट प्लेस पे जाते हो ना, फाइबर पे या अपवर्क पे, तो इस तरह अगर आपने अपनी एनएफटी सेल करनी है तो उसके लिए एक बहुत ही मशहूर मार्केट है, वो है ओपनसी। तो हम यहाँ से जाएंगे ओपनसी, और ओपन बाय द वे ओपनसी का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास मेटामास्क का अकाउंट होना जरूरी है। दैट्स वाई मैंने आपको पहले बताया कि हम मेटामास्क का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो हमारा मेटामास्क डन हो गया, अब हम ओपनसी क्रिएट करेंगे। ये opensea.io इसकी वेबसाइट पे आएंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आ रहा है जी प्रोफाइल का बटन, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ऐसे ये हो गया सिंपल। उसके बाद ये आपसे कहेगा जी आपसे इनमें से किसी वॉलेट से कनेक्ट करें, हमने मेटामास्क का अकाउंट क्रिएट किया, वो देख ले बता भी रहा पॉपुलर है, मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं, हमने यही क्रिएट किया, तो हम मेटामास्क के ऊपर क्लिक करेंगे। अब चूंकि हमारी एक्सटेंशन ऑलरेडी यहाँ पर थी, अकाउंट बना हुआ था, ये ऑटोमेटिकली पॉपअप आएगा और हमारे अकाउंट के साथ ये सिंक होगा, हम इसके थ्रू साइन इन करेंगे हमारे ओपनसी के अकाउंट में। तो ये देखिए ये आ गया, अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे सिंपली नेक्स्ट, और यहाँ से क्लिक कर देंगे कनेक्ट के ऊपर। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हो सकता है ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, बट यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में कनेक्ट ना हो, तो आपने बार बार करते रहना है, 5 से 6 बार करेंगे हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मेरा जो मैंने पहला अकाउंट मेन क्रिएट किया उसके अंदर मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, तो आपने बार बार करते जाना ओके हो जाते हैं। उसके बाद ये आ रहा है जी गियर बटन सेटिंग का, ये आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और अगेन ये आपसे कहेगा कि आप अपने वॉलेट से साइन इन करें, तो मैं ऐसे सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखिए जी साइन इन हो गए। यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर बार बार होगा पता कि आपका मेटामास्क का वॉलेट ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाता है या कोई भी इशू आ जाता है, तो आपने सिंपली साइन इन कर लेना, परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर सिंपली आप अपना देंगे यूजर नेम, तो ये मैंने अपना यूजर नेम दे दिया, और यहाँ पर आप अपनी बायो दे दें, क्या है आप, क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएटर, और इसके बाद अपने यहाँ पर आप देंगे ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया। उसके बाद आपके जो सोशल लिंक्स है वो आप ऐड करेंगे, और नीचे आपका आ रहा है जी वॉलेट एड्रेस, ये करने के बाद आप सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, या आपकी प्रोफाइल सेव होगी, इमेज हमारी रहेगी, ऑब्वियसली इमेज भी हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारी प्रोफाइल इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई। उसके बाद हम सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, और अब हम जाएंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर अगेन यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जी ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट होगी, पीछे बैनर क्रिएट करना है वो भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है वो आ जाएंगी, और आपने अपना ईमेल, अब इसके बाद आपने अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है। सो हमने मेटामास्क का अकाउंट क्रिएट कर लिया, ओपनसी अकाउंट क्रिएट हो गया, दोनों आपस में लिंक हो गए, अब हमने जो अपनी एनएफटीज़ क्रिएट की हैं उसे सेल करेंगे। तो यहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक इमेज नज़र आ रही है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने बनाई थी, तो मैं इसी को एज एन एनएफटी लिस्ट करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने ओपनसी के अकाउंट के ऊपर, मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करूँगा इस क्रिएट के बटन पर, ये देख रहे हैं ये क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आने के बाद वो कहेगा जी अपनी इमेज, ऑडियो, वीडियो, 3D मॉडल जो भी है, ये नीचे फॉर्मेट लिखे हुए हैं, मैक्सिमम फाइल साइज बताया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, ब्राउज करें और इसको लिस्ट कर दें। तो ये मैंने यहाँ पर लिस्ट किया, ये मेरी NFT आ गई, क्योंकि ये प्रॉपर रीसाइज नहीं है, तो आपको समझाने के लिए जस्ट। सो यहाँ पर मैं इसको कुछ भी नाम देते रहता हूँ, HBA 8 कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लिंक, अभी इस एक्सटर्नल लिंक का मतलब समझे, एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है कि इस आर्ट के पीछे कोई स्टोरी है, कलेक्शन है, वो क्या चीज़ है, वो आप पूरा एक वेबसाइट होती है उसके ऊपर आप पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक वो बच्चे ने जो अपनी सेल्फीज सेल की, तो उसने एक वेबसाइट मिसाल के तौर पर वो बना देता है, वहाँ पे वो बताता है यार ये मैंने इस दिन ली और मेरे पीछे ये थॉट था, ये स्टोरी थी, ये आर्ट क्यों क्रिएट किया गया, इसका पर्पज़ क्या था, तो वो सारी चीज़ें आप उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट के ऊपर देते हो, जिससे आपका आर्ट सेल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो आप ज़रूर करें। उसके बाद इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दें, इसको हम कह देते हैं फैन मेड दिस फॉर मी, कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन है, आप यहाँ पर अपनी कलेक्शन बनाएं, ऐड करें, ओके यहाँ पर मैंने अभी बनाई नहीं है, तो कलेक्शन मैंने ऐड नहीं की, तो खैर है अभी हम बना लेंगे उसको बाद में। कलेक्शन मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी कैटेगरी, जिसके अंदर अगर आपने मल्टीपल मिसाल के तौर पे इसी इमेजेस के कुछ 10-20 फॉर्मेट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ये आर्ट बनाया इसके 50 फॉर्मेट है, तो हम ये कलेक्शन पूरी बना रहे हैं, पूरी कलेक्शन सेल कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आप इसको लिस्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि आप इस इमेज के बारे में बताएं, फॉर एग्जाम्पल करेक्टर, ठीक है, तो ये उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है करेक्टर मेल, और इसके बाद आप इसकी और भी कैटेगरी बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे सेव करेंगे, लेवल स्टैट सब छोड़ दें। उसके बाद अनलॉकेबल कंटेंट, अगर इसके अलावा कुछ है तो आप यहाँ से इसको चेक कर दें, यहाँ पे ऐड करें, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दें, अगर आपकी सिर्फ सिंगल इमेज है। उसके बाद आ जाती है जी ब्लॉकचेन, ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना है कि ये क्या है, ये किस ब्लॉकचेन के ऊपर आप सेल करना चाहते हैं। अगर आप इथेरियम के ऊपर सेल करते हैं तो आपको गैस फी देनी पड़ेगी, जो समवेयर अराउंड
$150 to $200 के ऊपर वेरी करती है, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी इन इथेरियम। अब ये क्यों होती है, उसके बहुत सारे रीज़न है, वो हम किसी और वीडियो में घसीटेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो गैस फी आपको पे ना करनी पड़े, देन आप यहाँ से पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अब आपको गैस फी नहीं देनी पड़ेगी। ऊपर अगर आप पढ़ लें ये क्या लिखा हुआ है, अ फास्ट गैस फ्री ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस दैट वर्क्स विद इथेरियम। इथेरियम की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर आपको गैस फी देनी नहीं पड़ेगी। अब इथेरियम का फायदा मैं आपको आसान समझा देता हूँ कि इस पे गैस फी क्यों है और इस पे क्यों नहीं है। देखिए, अगर आप अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा करेंसी क्या चल रही है, डॉलर चल रहा है। आप वहाँ पे पाकिस्तानी रुपये लेके चले जाएं कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, क्या होगा, बहुत कम कहीं पे ऐसा होगा कि एक्सचेंज पे किसी बंदा कोई पाकिस्तानी मिल जाता है कि ठीक है यार तू मुझे रुपये दे दे और मैं तुझे इसके बदले में चीज़ दे देता हूँ। तो इथेरियम सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बिटकॉइन के बाद इस वजह से भाई, और चूंकि ये एनएफटी जो है वो ज़्यादातर इथेरियम के ऊपर ही वर्क कर रही है, इस वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब आपको बेचने में आसानी हो जाती है। इसलिए आपको गैस फी जो है, क्योंकि उसकी एक पूरी एक ट्रांजेक्शन है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो उसकी कुछ फ़ी लगती है, इस वजह से इथेरियम की गैस फी ज़्यादा है। बट इन फ्यूचर में भी ऐसा हो कि इथेरियम इसको भी टैकल करे और ये गैस फी कम हो जाए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो ये पॉसिबल है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लें कि अगर आप चाहते हो कोई फी ना देनी पड़े, फ्री में आपकी एनएफटी लिस्ट हो जाए, तो आपने पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप क्लिक करेंगे सिंपली क्रिएट के बटन पर। अब ये देखें, ये हमारी एनएफटी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर आप इसे सेल, अब हमने यहाँ से इस पर क्लिक करना है सेल के बटन पर, और इसकी हम अमाउंट बताएंगे जी हमने कितनी अमाउंट में बेची। फॉर एग्जांपल मैं इस आर्ट को बेचना चाहता हूँ लेट्स से 100, मतलब कुछ आपने रियलिस्टिक लिखना है, 0.012 या समथिंग। फॉर एग्जांपल चले इस आर्ट को मैं भी रियलिस्टिक रखते हैं, हम मैं कहता हूँ जी इसको मैं 0.02, नो बहुत सस्ता, इतना भी नहीं सस्ता बेचना, चले 0.2 इथेरियम में बेचेंगे, जो कि 550 के करीब डॉलर बनते हैं। ड्यूरेशन मैं कहता हूँ जी इसका 7 दिन, और इसको मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, और रिजर्व स्पेसिफिक बायर नो, इसको अनचेक रहने दें, और इसके बाद फीस या 2.5% आपको उनको देनी पड़ेगी। ये आ गया प्रीव्यू, और उसके बाद आप कंप्लीट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करें। टाइम आप इसका ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बट मैंने 7 डे रखा, मैंने इसको कंप्लीट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर अनलॉक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगेन हम इससे अब इस करेंगे, हो जाओ ओके, ये देख एरर आ रहा है। तो समटाइम्स आपको इस तरह के एरर फेस करने पड़ेंगे। देखिए अभी आ गया एरर आपके सामने। तो यहाँ पर आपने प्राइस सेट की, कंप्लीट लिस्टिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे या सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको एरर आ रहा है, बार बार ट्राई करते रहें, जैसे अभी मुझे एरर आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी उसके बाद आप ये अनलॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, करेंसी अनलॉक करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से साइन इन करेंगे, आपकी करेंसी सिंक हो जाएगी। इन केस अगर बार बार एरर के बाद भी नहीं होता, तो आप ओपन सी के हेल्प सेंटर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि ये एरर आते हैं, मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, इस पर टाइम लगेगा तो वीडियो फजूल में बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं चाह रहा था कि वो काम ना हो। ये देखिए एरर आ रहा है, ये फजूल का एरर है, बार बार आप साइन इन करेंगे ये हो जाएगा। तो उसके बाद जब आपकी एनएफटी लिस्ट होगी, उसके बाद आप इसे शेयर करें लोगों के साथ, लोग इसे परचेज करेंगे, और अगर करेंगे तो उसके बाद आपको इसके ऊपर रेवेन्यू अर्न होगा। सो यार ये था ब्लॉकचेन का कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन डेप्थ बता दिया आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप एनएफटी कैसे क्रिएट करेंगे, आप उसे मेटामास्क अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, ओपनसी क्या होता है, वहाँ पे कैसे लिस्ट करना है। तो जैसे ही आपकी भी लिस्टिंग लिस्ट हो जाएगी यहाँ पर, जैसे बाकी लोगों की लिस्टिंग यहाँ पर नजर आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपकी भी जो एनएफटी है वो लिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपकी भी एनएफटी यहाँ पर लिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर वहाँ से कोई भी खरीदेगा तो आपको वहाँ से अर्निंग आएगी और आप उसको अपने मेटामास्क के वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। सो अब वीडियो के ऊपर काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो गया, आप इसको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आई है, एनएफटी के ऊपर मजीद वीडियोज आपको चाहिए तो आपने उसके लिए मुझे कमेंट करके बताना। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज, आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ये वाली वीडियो जरूर देख लें। मैं मतलब आपने चला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।